तो दोस्तों हम आज बघेलखंड की एक ट्रेडिशनल रेसिपी लेकर के आए हैं, जिसका कि गर्मी में बहुत ज़्यादा महत्व है और इसको बनाना बेहद ही आसान है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें आधा गिलास बेसन ले लेना है और इसमें हमको पानी ऐड कर लेना है। आपको जो है बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना है, इसको धीरे धीरे फेंटते हुए जाना है और थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते जाना है। इसमें गांठें बिल्कुल नहीं पड़नी चाहिए, गांठें पड़ने से क्या रहेगा कि आपका बगजा अच्छा नहीं बनेगा, तो गांठें बिल्कुल ना पड़े। इसे अच्छी प्रकार से चम्मच की सहायता से इसको फेंट लीजिए और ये गोल बहुत पतला नहीं होना चाहिए, ना ही बहुत गाढ़ा होना चाहिए। ये आप सभी के घरों में आप जैसे सॉस वगैरह रखने के लिए बॉटल्स रहती हैं या फिर आप जलेबी वगैरह बनाने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। ये प्लास्टिक की बॉटल सभी के घर में मिलती है, वरना आप मार्केट से ले सकते हैं। इसी में हमने जो अपने बेसन का घोल है इसको डाल लेना है। इसमें हमने कुछ नहीं डाला है, बिल्कुल प्योर बेसन है। तो चलिए ये हमारा रेडी हो गया है, इसको हमको कस लेना है। अब ये देखिए, अब हमको कच्चे आम जितने भी आपको पना बनाना है, हमने आम को बॉईल करके एक साइड में कर लेना है और इसका पानी अलग करके दूसरे साफ पानी में हमने इसको डाल लेना है। और अब बगजा बनाने की तैयारी करते हैं। इसमें हमने सरसों का तेल का इस्तेमाल किया है। आप कढ़ाई में इसमें तेल डाल सकते हैं, जितना भी आपको बगजा बनाना है। और इसको जलेबी की तरह देखिए, इसको जलेबी की तरह हमको घुमाते जाना है। अगर आप इसको बहुत पतला कर देंगे इसकी कंसिस्टेंसी, तो ये बहुत मोटे मोटे बनते हैं, और अगर गाढ़ा कर देंगे तो ये आपको बनाने में दिक्कत आएगी, इसलिए इसको बीच का रखते हैं। ये देखिए बिल्कुल पतले पतले बगजे बने हुए हैं, ये ज़्यादा स्वादिष्ट बनते हैं। ये देखिए गोल्डन ब्राउन होने तक हमको इसको सेकना है। तो दोस्तों अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो आगे बढ़ते हैं। ये देखिए ये हमारा तल चुका है, इसको चिमटे की सहायता से पकड़ना है आपको, वरना ये टूट के अलग हो जाएंगे, बहुत सॉफ्ट होते हैं। तो आप इसको एक हफ्ते तक बनाकर इस्तेमाल कर सकते हैं, इसको स्टोर करके रख भी सकते हैं और डेली आप इसको पने में आम के डाल करके इसको सर्व कर सकते हैं। तो देखिए हमने इसको पना बना लिया है जो कच्चे आम थे उनका, और इसमें हमको सारे मसाले मिला लेने हैं। भुना पिसा जीरा, काला नमक, सफ़ेद नमक और पुदीना तो इस पने की जान है। तो इसको आप कट करके भी डाल सकते हैं, आप पीस के भी डाल सकते हैं पने में। तो मैंने इसको बारीक कट करके देखिए पने में मिला लिया है और सारे मसाले इसमें डाल दिए। आप चाहें इसमें थोड़ा सा लाल पिसा मिर्च भी ऐड कर सकते हैं या फिर ग्रीन जो मिर्च है उसको भी डाल सकते हैं, हरी मिर्च को। और अब ये तैयार हो गया हमारा पना। अब इसमें हमने इसको बगजे को डाल दिया है। तो गर्मियों में ये आपके खाने को बेहद स्वादिष्ट बनाता है। आप पूड़ी, रोटी, दाल, चावल सभी के साथ इसका इस्तेमाल कर सकती हैं। तो धन्यवाद मेरे वीडियो में बने।